बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने डिसाइड किया है वो है स्वास्थ्य नीति। इसमें ये एक हेल्थ ऑडिट है जिसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। बेसिकली पर्पस ये है कि जितनी पॉपुलेशन है उन सबको इसके एम्बिट में लाया जाए सर्वे में। इसमें एक टीम्स मुकर्रर की गई हैं, जैसे बूथ लेवल जो हमारा पोलिंग स्टेशन होता है उसको एक नोडल पॉइंट बनाकर, तो जो ग्राउंड लेवल टीम्स हैं उनको बनाया गया है। एक टीम में 3 मेंबर्स हैं, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और BLO। अब डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की अगर बात करें तो हमारे 566 पोलिंग स्टेशन हैं, मतलब 566 टीम्स को बनाया गया है और अगले 7 से 10 दिन में हर टीम का मेंबर, 3 टीम के मेंबर्स डोर टू डोर विजिट करेंगे और उधमपुर की सभी पॉपुलेशन को कैप्चर करेंगे। अब इसका तरीका इस प्रकार रहेगा, जब वो डोर टू डोर विजिट करेंगे उनको एक मोबाइल ऐप बनाई गई है, उस मोबाइल ऐप के ज़रिए वो कुछ बेसिक चीज़ें, बहुत जनरल सी चीज़ें सभी लोगों से पूछेंगे, सिम्टम्स के बारे में, कोई हिस्ट्री है, फॉरेन हिस्ट्री है, कुछ लोकल हिस्ट्री है। इससे एक ग्राउंड फीडबैक मिलेगा कि एक तो डोर टू डोर जो टीम जा रही हैं उनकी GIS मैपिंग की जाएगी, ताकि जिस हाउस होल्ड को विजिट कर रही हैं वहाँ पर उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैप्चर किया जाएगा और कैप्चर होगा, ताकि हमें ये श्योरिटी रहे कि वो टीम ने वाकई ग्राउंड डोर टू डोर विजिट किया है। सेकेंडली, टीम ग्राउंड से डेटा जो कैप्चर करेगी उसको एक नेक्स्ट लेवल, जिसे हम मेडिकल सर्वेलेंस टीम्स कहती हैं या ब्लॉक लेवल डॉक्टर्स की टीम है, वो उसको असेस करेगी। तो आज अभी डिफरेंट टीम्स के उनके ग्रुप लीडर्स बनाए गए हैं, जिसमें BLO ग्रुप लीडर है, उसके थ्रू ग्राउंड ट्रेनिंग्स चल रही हैं। लास्ट 3 दिन से ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है और जैसे हम बात कर रहे हैं अभी इस टाइम पे भी ग्राउंड पे जो हमारे रेड जोन्स के 47 पोलिंग स्टेशंस हैं उसमें 47 टीम्स लगभग 2200 घर को कवर कर चुकी हैं, जिसमें 10,000 के आसपास लोग कवर किए जा चुके हैं इस सर्वे में। तो आपसे सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि बड़े फ्रेंडली नेचर से आप शेयर करें, ये टीम सिर्फ आपके लिए आ रही हैं, ताकि घर में बैठकर अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो हमारी टीम्स उसको कैप्चर कर पाएँ और आगे डॉक्टर्स की सहायता आप सब तक पहुंच पाए, मेडिकल एड आप सब तक पहुंच पाए। ये डेटाबेस जो बनेगा आगे वाले आने वाले टाइम में इसका और भी प्रगति की जा सकती है किसी तरह की मेडिकल एडवाइस देने के लिए। तो जो टीम्स आएंगी आप उनका सहयोग करें, इसकी मॉनिटरिंग डेली दिन में 3 बार हाईएस्ट लेवल की होती है कि कितने घर सर्वे में किए गए हैं, कितने घर नहीं किए गए। जो दूर दराज के इलाके हैं उन कई जगह नेटवर्क के इश्यूज हैं, उन जगह भी हमारी टीम्स की कोशिश रहेगी डोर टू डोर सर्वे करें, अगर वहाँ पे GIS मैपिंग नहीं हो पाएगी बट हम डोर टू डोर सर्वे उस जगह पर भी करवाएं और वहाँ लोगों का भी कैसा है हेल्थ स्टेटस हम जान पाएँ। जो कल विजिट की गई उसके तहत कोई कई लोगों के बारे में फीडबैक मिला कि कुछ सिम्टोमेटिक कई और डिजीज़ के कारण है, कई और इश्यूज़ हेल्थ इश्यूज़ वो फेस कर रहे हैं, उनको उस अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल के हिसाब से हम आगे मेडिकल एड प्रोवाइड की जा रही है। ये टोटल डिजिटाइज प्लेटफॉर्म है, किसी तरह का पेन पेपर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मोबाइल ऐप के ज़रिए ही उसमें ग्राउंड से जो फीडबैक कैप्चर की जाएगी उसको पूरे चैनल से उसको सबमिट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। और मैं अपने लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड लेवल पे CMO लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से अभी तक पूरी कोरोना की फाइट में उधमपुर के लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर साथ दिया, उसी तरीके से जो ये एक बहुत ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का यूनिक इनिशिएटिव है स्वास्थ्य निधि, इसको भी सक्सेसफुल बनाने में ज़िला उधमपुर में जहाँ बहुत तेज़ी से ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है आप भरपूर साथ दें। शुक्रिया।